हेलो 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 गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू कैप्टन वीआर के व्लॉग। तो यस गाइस, हाँ पता है, बोला था मैं हफ्ते में दो वीडियो आएगा, तीन वीडियो आएगा, ये एक हफ्ते के बाद आ रहा है। इसके पीछे भी एक रीज़न है। अभी दो चार दिन पहले मैं कुनकुरी टू रायपुर आ रहा था, तो उसमें मैटर ये कर दिया, मैं फुल फ्लेज व्लॉग बना हुआ था, बट ये देख रहे हो, ये इंस्टा 360 के लिए माउंट करे थे, जो कि अपना पूरा फ्रेम ही ख़राब कर दिया। मतलब समझ रहे हो, बीच में एकदम ब्लाइंड स्पॉट, ब्लैक स्पॉट कर दिया बड़ा सा। तो गाइस, अपन है रायपुर शहर में, देख के पता ही चल रहा है, अटल पाथ एयरपोर्ट, मतलब अपन नया रायपुर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट नया रायपुर में ही है। वैसे वो सब तो बात की बात है, मुद्दे की बात क्या है, अपन जा रहे हैं चिंगरा पगार वाटरफॉल। चिंगरा पगार वाटरफॉल करके एक बहुत बढ़िया सी जगह है। टाइम थोड़ा पास हो गया है 1:40, जो कि अच्छा नहीं है ऐसा लोकेशन जाने के लिए। जितना अर्ली जाओ उतना अच्छा है, लेकिन अपने को क्या, अपने के पास जाना है, हल्का नहाना है और वापस आना है। बाकी चिंगरा पगार का डिस्टेंस अपने रायपुर से शो कर रहा है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर उतना भी कोई लोड नहीं है, मेरे को नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा टाइम लगने का है। 2 बज रहा है 3 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। थोड़ा सा ये भी दिक्कत है कि अपने को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, क्योंकि मेरा पहली बार है चिंगरा पगार, तो कहीं लोचा लफड़ा ना हो जाए, रास्ते वास्ते ना भटक जाए, जो कि होने का बहुत कम चांसेस है। यहाँ से अपन डायरेक्ट चलते हैं राजिम, अपन राजिम से फिर लोकेशन ऑन करेंगे कि चिंगरा पगार कौन से रास्ते में है, क्योंकि मैं मैप में देखा था राजिम था चिंगरा पगार के लाइन में। बाकी गाइस, ऐसा मत सोचे यार कि अपन व्लॉग व्लॉग नहीं बना रहे हैं, या फिर कुछ डिले हो जाता है तो अपन कुछ कर नहीं रहे हैं। राजिम तो पहुंच ही गए अपन, 9 किलोमीटर बचा है, 9 किलोमीटर वो बचा है, मतलब राजिम से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर है चिंगरा पगार। ये कहाँ पहुँच गए हैं भाई, हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा। गाइस, अपन इस रास्ते में कभी भी राइड में जाते हैं तो यहीं पे वेट करते हैं सबके आने का, फिर स्टार्ट करते हैं जब सब आ जाते तब। बट दिस टाइम मैं तो हूँ सोलो, तो अपने को चलते रहना है। तो यहाँ पे हो गया अपना राजिम भी क्रॉस, आई मीन ऑलमोस्ट क्रॉस। 32 किलोमीटर में लेफ्ट भाई, टोटल किलोमीटर 34 है और 32 किलोमीटर में लेफ्ट, मतलब यही वाला मेन रोड पूरा चिंगरा पगार तक रहेगा। राजिम से 30 किलोमीटर दूर सीधा सीधा रोड, वाओ। इस क्षेत्र वाले तो पूरा मजे ही कर रहे होंगे उधर पे। भाई देख रहे हो, ऐसे कॉर्नर में बस वगैरह ओवरटेक करेगा तो मैं कैसा करेगा। तो गरियाबंद यहाँ से 10 किलोमीटर तकरीबन होगा, अपन गरियाबंद के बहुत ही पास हैं। यह मंदिर है जहाँ अपन गरियाबंद जा रहे थे, तो वेट किए थे थोड़ी देर के लिए, जय हनुमान जी। तो अपन आगे निकलते हुए, और अगर किसी ने मेरा गरियाबंद वाला व्लॉग नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आई आइकन आ रहा होगा राइट साइड टॉप में, तो वहाँ भी क्लिक करके, ये वीडियो देखने के बाद क्लिक करके जा सकते हैं
गरियाबंद का पूरा राइड देखने के लिए, और वो राइड था हमारा पूरा ग्रुप राइड जिसमें तकरीबन 30 से 40 राइडर थे होंगे, और बहुत ही अच्छा राइड था और बहुत ही मज़ा आया। तो डू चेक आउट गरियाबंद ब्लॉग, वो भी बहुत प्यारा है और पसंद आया। लाइक करो, क्या समझ में आया कमेंट करो। तो अपन पहुंच गए जहां से अपन को टर्न लेना है, 170 मीटर, मतलब कुछ 170 मीटर। देखने में तो क्या ही है एरिया, थोड़ा अंदर साइड सा। तो यस, ये लोकेशन अपन डेफिनेटली गरियाबंद राइड में मिस किए थे। क्रेजी है यार, जिस एरिया में राइड कर चुके हैं पूरा प्रॉपर, उस एरिया का भी मिसिंग पीसेस ढूंढ रहे हैं। तो यस, दैट्स क्रेजी। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर अपने को और अंदर जाना है ऑफ रोड करते हुए। कोई सा भी स्पॉट जंगल के अंदर पहाड़ के बीच में रहे ना, वो फेमस और बहुत अच्छा लगता है। फेमस तो होता ही है। ओ भाई, मतलब वाओ, छोटा सा वाटर क्रॉसिंग वाला फील मिल जा रहा है मुझे। तो गाइस, देख के तो लग रहा है पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट 400 मीटर दूर। गाइस देख रहे हो, बंदर कभी भी ये हमला करना चाहा तो अपने को पानी वानी का तो नामो निशान नहीं। किधर है भैया वाटरफॉल? इसमें पैदल पैदल जाना पड़ेगा? गाड़ी जाएगी क्या थोड़ा और आगे फोटो वोटो खींचने के लिए? गाड़ी का ही फोटो खींचना था, कहाँ तक पहले पैदल जाके देख लीजिए, जा पाएगा या नहीं। ठीक है भैया। ओ भाई, गाइस देख रहे हो चिगरा पगार थोड़ा रिस्की मूव हो गया है। तो आज का डे है मंडे, तो गाइस से ज़्यादा आए नहीं है यहाँ पे। 100 मीटर का ट्रैकिंग है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, 100 मीटर होता ही क्या है। मेरे तो लग रहा है बाइक भी मैं चला के पार कर देता यहाँ, जहाँ तक अभी तक देख के तो लग रहा है कि पार हो जाएगा। और देख रहे हो व्यू भी क्या ही खतरनाक मज़ेदार सा। बाकी गेटअप बताओ यार कैसा है। वाओ, पानी का आवाज़ तो आ रहा है। हो गया, गाड़ी तो कैंसिल है ब्रो, आगे तक नहीं आ रही है। जगह तो एक नंबर है भाई, बट मेरे को नहीं लग रहा कि अपन यहाँ नहा सकते हैं। यस, नहा तो सकता हूँ भाई वहाँ पे बैठ के। यस, वैसे ही करने वाला हूँ मैं, वही बैठ के नहाऊँगा वहीं पे सब चीज़ सेटल करके। आ गए हो भाई, आ गए हो। ये अभी नवंबर का हाल चिंगरा पगार का, देख ही सकते हो गया है अपना, क्या बोलते हैं, बारिश ख़त्म। यहाँ का पानी भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, एक आध हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस थोड़ा सा मिस्टेक है कि अब पानी कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये जनवरी तक आते ही रहेगा। तो किसी को भी जनवरी तक चिंगरा पगार आना है तो फिर एकदम देख सकते हो किस हिसाब से लोकेशन है। उधर प्यारा सनसेट हो रहे हैं, भैया यहाँ के मैनेजमेंट में हैं और हम गाइस, एरिया भी हो गया है अभी थोड़ा स्लिपरी, थोड़ा नहीं भाई बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया है। ये अपना टावर पॉइंट,
तो समुंदर के पानी में नहा के नमकीन होते हैं और झरने के पानी में नहा के मिठास। मज़ा तो आ गया भाई, आज का दिन तो एक नंबर हो गया। तो गाइस सिंगड़ा पगार ओपी है यार, देख लो बताओ गाइस सिंगड़ा पगार ओपी है या नहीं। हो गया अपना सिंगड़ा पगार, टाइम हो रहा है 5, मस्त शाम है। तो बस धीरे धीरे जा रहे हैं भाई, 40-45 क्रूजिंग करते हैं थोड़ा। रायपुर अपन पहुंच जाएंगे 1 घंटे में 1.5 घंटे में। यहाँ किलोमीटर लिखा होगा रायपुर का, देख लेता हूँ थोड़ा सा। रायपुर है 55 किलोमीटर, तो यस 1 घंटे में तो अपन रायपुर पहुंच रहे हैं। पहुंच गए गाइस रायपुर। तो व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो।